स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स। इसके अंदर टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो काउंसलर एंड काउंसलर, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। काउंसलर कौन है? जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को काउंसलिंग देता है वो काउंसलर है, और जो काउंसलिंग लेता है, ठीक है, जिसको काउंसल कर रहे हैं वो क्या है? काउंसलिंग। ओके, तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स। इसके अंदर टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसलिंग। ठीक है, ये क्या है? काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? काउंसलर और काउंसलिंग, काउंसलिंग के बीच के जो भी कम्युनिकेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसलिंग। ठीक है, जो भी काउंसलर काउंसलिंग के बीच के कम्युनिकेशन है उसे बोलेंगे हम काउंसलिंग प्रोसेस। वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ टोन ऑफ वॉइस। ठीक है, क्या टोन ऑफ वॉइस, वॉइस जो भी है आपकी, उसका क्या टोन है, वो फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड पोस्चर ऑफ बोथ प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड पोस्चर्स, दोनों का ही जो काउंसलर एंड काउंसलिंग है वो इम्पोर्टेंट है इस काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो भी किसी भी स्टूडेंट को काउंसलिंग दे सकते हैं, स्टूडेंट को या फिर कोई भी ऑफिस वर्कर जो है उनको, अभी हम स्टडी में पढ़ रहे हैं, अभी हम कॉलेज में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट को लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट की बात करते हैं हम, तो उनको क्या है, जो काउंसलर होंगे, काउंसलर उनके कोई भी टीचर हो सकते हैं, या फिर एक अलग से जो काउंसलर किसी भी कॉलेज में जो रहते हैं वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट हैं उनको, यदि जो स्टूडेंट होंगे उन्हें बोलेंगे काउंसलिंग। ओके, जो काउंसलिंग होंगे उन्हें जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके डिस्कस करेंगे अपने काउंसलर से, और उनके बीच की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? जो भी टू इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच का, मतलब काउंसलर और काउंसलिंग के बीच का जो भी कम्युनिकेशन है उसे हम बोलेंगे काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ओके, तो जो काउंसलर है उसी क्या, काउंसलर को क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन हु कैन असिस्ट और हेल्प द काउंसलर। मतलब कि एक कोई भी जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन है, जो प्रोफेशनली जो ट्रेंड है, जिससे ट्रेनिंग ली, जिसने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, और वो क्या करता है, हु कैन असिस्ट, जो असिस्ट कर सकता है और हेल्प कर सकता है किसकी, काउंसलिंग की, वो कौन है, काउंसलर। ओके, मतलब कि जो प्रोफेशनली ट्रेंड है, जिसने ट्रेनिंग ली है काउंसलर की, ठीक है, और जो असिस्ट करता है और हेल्प कर सकता है काउंसलिंग की, उसे हम बोलते हैं काउंसलर। मतलब कि जो काउंसलिंग दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, काउंसलर। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग कौन है? अ पर्सन हु सीक हेल्प और नीड असिस्टेंस। ठीक है, काउंसलिंग क्या है? ऐसा कोई पर्सन जिसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, और जिसे हेल्प की ज़रूरत है और असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिसको असिस्ट कोई कर सके, उस चीज़ की ज़रूरत है उसे, वो प्रॉब्लम में है, ठीक है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, काउंसल होना है उसे, तो काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो काउंसलिंग लेने आ रहा है उन्हें बोलेंगे हम काउंसलिंग, एंड जो काउंसलिंग दे रहा है उसे बोलेंगे काउंसलर। ओके, यहाँ पे ये क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर जो भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिपोर्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री रिलेशन शुड बी इस्टेब्लिश। ठीक है, जब काउंसलिंग प्रोसेस हम देंगे तो क्या क्या जरूरी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब कि जब काउंसलर है और काउंसलिंग, जो काउंसलिंग ले रहा है, काउंसलिंग है जो, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। देन रैपर्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच क्या, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो ये सब इस्टेब्लिश करना चाहिए दोनों के बीच में, तभी काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो सही तरीके से अपना जो भी काउंसलिंग है वो दे पाएंगे काउंसलर। ओके, नेक्स्ट है काउंसलर शुड बी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव विथ काउंसलर। ओके, काउंसलिंग जो काउंसलर हैं वो कैसे होना चाहिए, शुड बी फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होना चाहिए काउंसलिंग को लेके, कि जो भी काउंसलिंग हैं उनके उनको लेके मतलब बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से बात करें, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें कि वो फ्रेंडली तरीके से उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। ठीक है, और क्या, कोऑपरेटिव होना चाहिए, मतलब उनसे कोई भी बात कह रहे हैं तो उसका कोऑपरेटिव करें, कोऑपरेशन करें कि हाँ उनकी बात को सुने, फिर उसके बाद अपना जो भी है वो बोलें, ऐसा होना चाहिए। तो काउंसलर शुड बी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव विद काउंसलिंग। ओके, काउंसलर को क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए एंड कोऑपरेटिव होना चाहिए काउंसलिंग के
सात, ओके. लाइक एज नर्सिंग, जो नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में, स्टाफ नर्स होती हैं या नर्स होती हैं, उन्हें भी क्या होना चाहिए, वो भी एक काउंसलर ही हैं. क्यों? क्योंकि वो आपकी जो भी डिसीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसल करती हैं, हेल्थ एजुकेशन करती हैं. तो उन्हें भी क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए अपने जो भी पेशेंट हैं उनसे, एंड कोऑपरेटिव होना चाहिए विद देम. ओके, तो ये काउंसलर शुड बी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव. नेक्स्ट पॉइंट है, काउंसलर शुड हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ओवर द काउंसलर. ओके, ओवर द काउंसलिंग, सॉरी, ओवर द काउंसलिंग. काउंसलर क्या होना चाहिए, काउंसलर को जो भी काउंसलर हैं वो क्या ट्रस्ट के साथ उन और कॉन्फिडेंस देना चाहिए काउंसली को, कि वो जो भी उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो क्या है, वो किसी को नहीं बताएंगे, उन पर ट्रस्ट रखें और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट रहें वो, कि हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, किसी से कोई भी शेयर नहीं करूँगा, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में पूरी आपकी हेल्प करूँगा, ऐसे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. ओके, तो क्या है, मतलब ट्रस्ट रखना चाहिए, और जो काउंसलर को भी रखना चाहिए, काउंसलिंग को भी रखना चाहिए उनके ऊपर ट्रस्ट, कि हाँ आप वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे ऐसे. नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूस चेंज इन द इंडिविजुअल. ये क्या करते हैं, जो काउंसलर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं चेंज इन द इंडिविजुअल, मतलब कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंडिविजुअल्स के अंदर वो लेके आएंगे, उनको जब सपोर्ट करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी, उनसे बातचीत करेंगे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन करेंगे, तो क्या होगा उनके अंदर एक क्या प्रोड्यूस होगा, चेंजेस प्रोड्यूस होंगे इंडिविजुअल के अंदर. ओके, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर होना जरूरी है. क्या क्या, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जरूरी है, काउंसलर के जो भी कोऑपरेटिव है, काउंसलर क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है, वो ऐसे कुछ वो प्रोड्यूस करें कि जिससे जो भी इंडिविजुअल है उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ जाएं. ठीक है, उनकी जो भी काउंसलिंग प्रोसेस को देख के या उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी वो है, मतलब उनसे गाइड करके या काउंसल करके उस तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, वो है फर्स्ट क्लाइंट बिहेवियर. यदि क्लाइंट का बिहेवियर सही नहीं होगा, जो भी काउंसलिंग उनके पास आएगा उनका यदि बिहेवियर सही नहीं होगा तो क्या होगा, जो काउंसलर हैं वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर सकेंगे, उनको कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करने में नहीं सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि क्लाइंट का बिहेवियर ही अजीब वो गरीब है या फिर अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से बता के नहीं दे रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन सॉरी काउंसलिंग प्रोसेस में वो आएगी. तो इसके लिए क्या है, क्लाइंट का बिहेवियर सही होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग मोर देन यू कैन हैंडल. ठीक है, जो भी काउंसलर हैं उन्हें उतना ही हैंडल मतलब उतने ही लेना है क्लाइंट जितने वो हैंडल कर सके. ओके, उतने ही, जैसे ऐसा नहीं कि वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं, चार से पांच काउंसलर सॉरी उन्होंने काउंसलिंग ले लिए हैं और वो क्या बोलते हैं हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना है, उतने ही लेना है जितने वो अपने जो भी क्लाइंट हैं हैंडल कर सके. चार से पांच यदि उन्होंने एक बार में क्लाइंट ले लिए हैं और वो हैंडल नहीं कर पाए तो ऐसे जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी. नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट का जो भी कंसंट्रेशन है वो होना ज़रूरी है. यदि जैसे कोई बात है जो भी काउंसलर बता रहा है उन्हें समझा के दे रहा है, यदि जो क्लाइंट है वो यदि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को लेके, उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ पे अपना बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आएगी, ना तो उनकी प्रॉब्लम को जो सॉल्व हो पाएगा ना वो काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो ये थे हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, क्लाइंट बिहेवियर, टेकिंग मोर देन यू कैन हैंडल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द क्लाइंट. ओके, काउंसलिंग प्रोसेस अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट, वो क्या है, टू इंडिविजुअल्स के ये बीच में होता है और ये कम्युनिकेशन है बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसली. फिर हमने पढ़ा कि काउंसलर काउंसली क्या है, काउंसलर एक ट्रेंड प्रोफेशनल पर्सन है जो क्या करता है, हेल्प करता है काउंसली की. और काउंसली क्या है, अ पर्सन हु सीक हेल्प, जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो क्या है, काउंसलिंग. ओके, फिर हमने पढ़े कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ये सब इनके अंदर होना चाहिए.
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस टॉपिक है वो आपका फिनिश हुआ. इफ़ यू कैन एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू क्लास.